देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नारनौंद के राजकीय महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी संदीप आर्य ने भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे फिट इंडिया अभियान के तहत और सेवा भारती के सहयोग से छात्रों को जागरूक किया। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी संदीप आर्य ने छात्रों को योग और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी और योग क्रियाओं का अभ्यास भी करवाया। उन्होंने सूर्य नमस्कार और योग क्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में महत्व बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से चलाए जा रहे अभियान को अब खेल मंत्रालय को दिया गया है। अब खेल मंत्री के आदेशानुसार सभी स्कूल कॉलेजों और महाविद्यालयों में खिलाड़ियों की पूरे देश में ड्यूटियां लगाई गई हैं कि विद्यार्थियों को फिट इंडिया के बारे में बताया जाए और देश का युवा फिट इंडिया से जुड़े। जो युवा फिट इंडिया से जुड़ेगा वो स्वस्थ रहेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वो खेलों से भी जुड़ेगा। खेलों के क्षेत्र में युवा जुड़ेगा तो हम मेडल भी जीत पाएंगे। इसलिए फिट इंडिया अभियान को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि सुबह जल्दी उठें, खेल से जुड़ें, नशे से दूर रहें और फास्ट फूड से दूर रहें। इसके साथ ही प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेलों से जुड़ें। नारनौंद से हमारे संवाददाता दीपक गिरधर की रिपोर्ट। गवर्नमेंट कॉलेज नारनौंद के अंदर कार्यक्रम राफिट इंडिया का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है और ये अब पूरे शहर पूरे भारत के शहरों में चल रहा है अभियान और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा और युवाओं को बड़ा प्रेरणा मिल रही है। जब कोई खिलाड़ी यहाँ पहुँच रहा है और युवाओं ने संकल्प लिया कि हम कभी जीवन में नशा नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करें और फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ें और अपने आप कुछ, क्योंकि हर एक खिलाड़ी के अंदर हर युवा के अंदर एक टैलेंट है, उस टैलेंट को बाहर निकालें और माता पिता का सपना पूरा करें। ये हासिल तो पूरे देश में चल रहा है और इसके बाद ये कार्यक्रम जींद प्रारंभ होगा, फिर अलग अलग जिलों के अंदर, उसके बाद अलग अलग राज्यों के अंदर कार्यक्रम और तेजी से चल रहा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।